द बिग पिक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन मैन, यू सीन हियर कि जो मैन के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं इनको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वी हैव गॉट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द लिम्फेटिक सिस्टम. इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव गॉट द ब्लड विच इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इन टर्न इज कंप्राइज ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. सो अब हम हार्ट को जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. सेकेंडली विल डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल. And first of all, let's start off with the introduction of heart. Heart is basically a pumping organ located in the chest cavity and enclosed in pericardium. जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि chest cavity के अंदर heart present है और basically ये दो lungs के दरमियान होता है और इसकी जो tip है towards left side oriented होती है. वैसे ये centrally chest में present होता है but the tip of the heart is towards the लेफ्ट साइड. और यू सीन हियर कि ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन द टू लंग्स एंड इट्स एनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम जो कि इसकी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर है. एंड यू सीन हियर कि यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आपको जो कार्डियक मसल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं. एंड यू कैन सी कि जैसे ये कार्डियक ये हार्ट के डिफरेंट सेल्स आपको दिखाए जा रहे हैं. लाइक हियर यू कैन सी वन सेल और उसके बाद फिर दूसरे सेल्स भी हैं. राइट, यू सीन हियर जैसे ये सेल्स के डिफरेंट आपको न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं. दिस इज अ न्यूक्लियस. सो ओवरऑल ये कह सकते हैं आप कि ये हार्ट के डिफरेंट सेल्स हैं और ये जो सेल्स हैं आपस में सारे के सारे ये इंटरकनेक्टेड हैं. राइट, वाया द इंटरकनेक्टेड डिस्क विद मैनी मैनी गैप जंक्शंस. और जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं ये स्केलेटल मसल सेल्स से इस तरह डिफरेंट होते हैं कि स्केलेटल मसल सेल्स में जो हर फाइबर है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है लेकिन हार्ट के अंदर जो फाइबर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड डिस्क से जुड़े हैं और इनका ब्रांचिंग पैटर्न होता है. And you seen here, I have got a question for you at this point in time. Cardiac muscles are different from skeletal muscles because of A option is having different mechanism of contraction. So basically, mechanistically, तो दोनों same way में ही contract करते हैं. So this is not the answer. And then lacking myofibrils and myofilaments. तो दोनों चूंकि ये striated muscles हैं, दोनों में myofibrils और myofilaments भी होते हैं जो कि arranged होते हैं in the form of sarcomeres. So this is not the answer either. Having branched cells with irregular stripes. Yes, ये बात जो है ये कार्डियक मसल सेल्स के कार्डियक मसल्स के बारे में ये ठीक है कि कार्डियक मसल्स में ब्रांच्ड सेल्स होते हैं जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में डिस्कस भी किया लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे सेल्स जो है वो ब्रांच्ड नहीं होते. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. And I have a question for you. Which of the following is outermost layer of heart wall? A option is pericardium. B option is epicardium. C option is myocardium. And D option is endocardium. So, yahan se pucha kya ja raha hai? Outermost layer of the heart wall. Yani ki heart ki wall ki apni outermost layer kaun si hai? So, pericardium heart ki wall ki apni outermost layer nahi hai. Balki pericardium to heart se bahir present hai. So, best response to this question would be beta, that is epicardium. Another question, pericardium is a single membranous, is A option is single membranous, B option is double membranous, C option is fluid filled and D option is double membranous and the fluid filled. And we know कि जो pericardium है ये double membranous है और ये fluid filled भी है. So best response would be delta. Another range of questions, A option is left atrium, B option is right atrium, C option is left ventricle and D option is right ventricle. स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी. तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इनटू द राइट एट्रियम. बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है वीना केवा ड्रेन्स ब्लड इनटू विच हार्ट चैम्बर. तो जो वीना केवा है उन्होंने भी सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा ने बेसिकली पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही को ड्रेन करवाना होता है इनटू द राइट एट्रियम. ऑफ कोर्स आंसर वुड बी बीटा अगेन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स.
कौन सा चैम्बर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा, सो यू नो दैट द राइट वेंट्रिकल वुड एक्चुअली सेंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स। इसकी डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर ड्रेन्स ब्लड इनटू पल्मोनरी ट्रंक। तो ऑफकोर्स पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड भेजता है वो ऑफकोर्स राइट वेंट्रिकल ही भेजता है, और पल्मोनरी ट्रंक से भी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, और वहां से अल्टीमेटली जो कह लें कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है फॉर सेक ऑफ ऑक्सीजनेशन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा फॉर दिस स्टेटमेंट इज वेल। Another range of questions for the same options, which of the following heart chamber receives oxygenated blood from lungs? अब बात आती है कि oxygenated blood वो किस chamber में आना है, from the lungs. So lungs से oxygenated blood को pulmonary veins लेके आती है into the left atrium. So alpha would be the best response to this question. इसकी जो रीजनिंग है हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेंस। अगेन बेसिक आइडिया सेम है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट इवन वुड बी लेफ्ट एट्रियम। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। तो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना होता है वो भेजना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ने, सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन। Another question, left ventricle does not pump blood to. तो लिवर की तरफ क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है? ऑफकोर्स लिवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, ऑफकोर्स इसमें ये ब्लड को पंप करेगा। लंग्स को एज सच लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं करेगा, हाँ ब्रेन को और किडनी को भी करेगा, क्योंकि ये सारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ जुड़े हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा, द लंग्स। Another question, which of the following vein does not empty into inferior vena cava? A option is jugular vein, B option is hepatic vein, C option is hepatic portal vein, and D option is jugular vein and the hepatic portal vein. तो जो jugular vein है, basically ये drain हो रही होती है into the superior vena cava. Into the superior vena cava. जबकि जो hepatic vein है, ये drain हो रही होती है into the inferior vena cava. जबकि जो हिपेटिक पोर्टल वेन है ये ड्रेन हो रही होती है टू द लिवर। ये वो वेन है जो कि गट से ब्लड को लेके स्ट्रेट लिवर तक जाती है, और लिवर से आगे फर्दर हिपेटिक वेन ब्लड को लेके इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। सो हिपेटिक पोर्टल वेन भी डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन नहीं होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, द जुगुलर वेन एंड द हिपेटिक पोर्टल वेन, ये दोनों आप कह लें कि इन्फीरियर वेना केवा में एम्प्टी नहीं होती, डेल्टा। Another question, the valve present between right atrium and right ventricle has how many flaps? A option is 1, B option is 2, C option is 3 and D option is 4. So right atrium or right ventricle के दरमियान जो valve है उसके 3 flaps हैं, so tricuspid valve है, answer is Charlie. Another question, right atrium is separated from right ventricle by A option is tricuspid valve, B option is bicuspid valve, C option is semilunar valve and D option is interatrial septum. So question क्या पूछा गया, right atrium is separated from right ventricle by, so best response to this question would be tricuspid valve. ये straight book की line है by the way, principally speaking, तो उल्टा right atrium right ventricle के साथ communicate अब कह लें कि इस tricuspid valve के जरिए कर रहा होता है। Anyways, alpha would be the best response to this question. When right ventricle contracts, blood is passed to. जब right ventricle contract करेगा तो blood किधर जाएगा? Into the pulmonary veins, the pulmonary trunk or aorta or the lungs. So straight away right ventricle से जो direct blood जाएगा वो जाएगा to the pulmonary trunk. हाँ pulmonary trunk से ultimately जो blood है वो pulmonary arteries के जरिए lungs में जाएगा। बहरहाल इस question का जो best response होगा that would be beta. Another question, the tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle and pulmonary trunk, left ventricle and aorta, and none of these. So best response to this question would be right atrium and the right ventricle, alpha. Another question, left atrium pass oxygenated blood to left ventricle during. A option is atrial systole, B option is ventricular systole, C option is atrial diastole, and D option is atrioventricular diastole. And the best response to this question would be atrial systole, कि left atrium से oxygenated blood left ventricle में कब जाएगा? तो ये atrial systole के दौरान जाएगा। Now let's start off our discussion with the structure of heart. Heart is basically composed of
थ्री लेयर्स, ये तीन लेयर से बना है. नंबर वन वी हैव गॉट द एपिकार्डियम एंड देन द मायोकार्डियम एंड थर्डली वी हैव गॉट द एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिकार्डियम. एंड देन वी हैव गॉट द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द in between the epicardium and the endocardium. So this is the layer which is present in between these two other layers, epicardium and endocardium. And this is the thickest layer of heart. अगर आपसे ये पूछा जाए कि heart की तीनों layers में से सबसे ज़्यादा thickness या सबसे ज़्यादा मोटाई किसकी है, answer would be myocardium. और इसके अंदर ही cardiac muscles होते हैं. So ये एक paradoxical सा fact है कि heart की तीनों layers में cardiac muscles नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जो myocardium है, this is harboring the कार्डियक मसल्स. इसका मतलब है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है, वो भी मेनली किस लेयर की वजह से है? ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज़ ऑफ द मायोकार्डियम, बिकॉज़ इट्स हार्बरिंग द कार्डियक मसल्स. एंड कार्डियक मसल फाइबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ स्केलेटल मसल्स इन बीइंग ब्रांच्ड. सो कार्डियक मसल फाइबर्स या कार्डियक मसल सेल्स, ये किस तरह से स्केलेटल मसल के फाइबर्स या सेल्स से डिफरेंट होते हैं? एक तो ये ब्रांच्ड है, सेकेंडली ये ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक से मुराद क्या है कि ये बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो अगर स्केलेटल मसल सेल होगा, जब तक उसको कोई इंपल्स नहीं आएगी, कोई सिग्नल नहीं आएगा, वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. जबकि जो हार्ट के सेल्स हैं, ये खुद ब खुद डीपोलराइज होके अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई वी से कि ये हार्ट के सेल्स हैं, दे आर ऑटोमेटिक. तो इस बात का प्रूफ ये भी है कि अगर आप हार्ट को बॉडी से कट करके अलग बाहर निकाल के रख दें और सम हाउ उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन कर दें, इट वुड कीप बीटिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड, राइट? एंड अल्टीमेटली दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट सेल्स. एंड थर्डली द हार्ट सेल्स, दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद ईच अदर वाया द इंटरकलेटेड डिस्क एंड द गैप जंक्शंस, यू कैन से कि जो हार्ट के सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं. अगर हम स्केलेटल मसल सेल्स की बात करें, से अगर हमारे पास ये स्केलेटल मसल का ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, तो इनमें से हर एक की अलग अलग इनर्वेशन होगी, हर एक की अलग अलग इनर्वेशन होगी, तभी इन तीनों सेल्स को स्टिमुलेट किया जा सकेगा. इसके बरक्स अगर हम बात करें हार्ट के सेल्स की बात करें, से वी हैव गॉट वन सेल एंड द सेकंड सेल एंड द थर्ड सेल. सो यू सीन हियर कि ये जो सेल्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं. सो इनमें से अगर एक स्टिमुलेट होगा तो बाकी सेल्स ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाएंगे. सो दिस इज बिकॉज के ये कनेक्टेड हैं वाया द इंटरकलेटेड डिस्क या गैप जंक्शंस. And then we have got the endocardium, which is the innermost layer of the heart wall. And this is the layer which is in contact with the blood. ये वो layer है जो कि directly in contact है with the blood. So conclusively, heart की तीन layers हैं. Outermost layer, epicardium, जो कि pericardium के साथ जुड़ी है. Innermost layer, endocardium, जो कि ब्लड के साथ एसोसिएटेड है या ब्लड के साथ इन कॉन्टैक्ट है. एंड इन बिटवीन दीज टू लेयर्स थिकेस्ट लेयर है विच इज हार्बरिंग द कार्डियक मसल्स, जो कि ऑटोमेटिक है, ब्रांच्ड है और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है. एंड हेयर वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो लेट मी ओरियंट यू द टूवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव गॉट द राइट एट्रियम हेयर. सो ग्राफिकली यहाँ पे ओवरऑल कह लें कि ये राइट एट्रियम शो किया गया है. सो दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. सो ये ग्राफिकली राइट वेंट्रिकल शो किया गया है. एंड हेयर यू हैव गॉट द लेफ्ट एट्रियम. सो ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट? दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड हेयर यू हैव गॉट दिस लेफ्ट वेंट्रिकल. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आप जरा गौर करें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है, इसको हम कहते हैं दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व. क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये बेसिकली थ्री फ्लैप्स से बना होगा, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है. और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है, इसको हम बोलते हैं ये बाइकस्पिड वेल्व है, क्योंकि ये दो कस्प से बना हुआ होगा. लाइक इसके ये दो कस्प हैं, दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व.
और राइट, इसमें फिर ये भी गौर करें कि जो राइट एट्रियम है बेसिकली ये दो मेजर ब्लड वेसल्स इसमें ड्रेन हो रही हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और दूसरी इन्फीरियर वेना केवा। ग्रॉसली स्पीकिंग हार्ट के लेवल से अबव हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन होगा इनटू द राइट एट्रियम वाया द सुपीरियर वेना केवा, जबकि हार्ट के लेवल से बिलो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन होगा इनटू द राइट एट्रियम वाया द इन्फीरियर वेना केवा। और इसी तरह से अगर आप गौर करें तो जो लेफ्ट एट्रियम है दिस इज रिसीविंग द पल्मोनरी वेन्स, सो इट्स रिसीविंग द पल्मोनरी वेन्स। आप इसमें ये एक और दो, ये दो पल्मोनरी वेन्स आप देख सकते हैं इस ट्रेसिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअली देर आर फोर पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं। सो यू सीन हियर पल्मोनरी वेन्स पैराडॉक्सिकली ये वो वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इनका जो टोटल जो इनकी तादाद है दैट इज फोर, टू फ्रॉम द राइट लंग एंड टू फ्रॉम द लेफ्ट लंग। सो इस ट्रेसिंग में बेसिकली ये दो नजर आ रही हैं, दो पोस्टीरियर साइड से आ रही होती हैं, इसलिए उनको ट्रेसिंग में मैंने ड्रॉ नहीं किया। सो फोर पल्मोनरी वेन्स दे ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रियम। और इसके अलावा आप ये भी जरा गौर करें कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये वेसल अराइज होती है राइट, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। सो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अराइज हो रहा है और जो कि आगे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में बाइफरकेट हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा इज राइजिंग राइट, एओर्टा राइज हो रहा है और अल्टीमेटली ये असेंडिंग एओर्टा है और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये आर्च ऑफ एओर्टा है और उसके बाद फिर ये एओर्टा इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, फिर हार्ट की बैक साइड से एओर्टा ट्रेवल करता हुआ ये आता है टुवर्ड्स द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट और यहाँ से अल्टीमेटली डायफ्राम से गुजर के इट विल मेक इट्स वे इन टू द एब्डोमेन। ऑलराइट, सो ये हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड यहाँ पे ओवरऑल एक और रिमार्केबल बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ओवरऑल जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये ऐसी आर्टरीज हैं जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एक पैराडॉक्स है राइट। इसी तरह से हम जनरली ये बात कहते हैं कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ये ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करवा के हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं वेन्स। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पे आपसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो किस चेंबर में ड्रेन करेगी, राइट एट्रियम, इन्फीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम, तो ट्राइकस्पिड वेल किस और किस चेंबर के दरमियान प्रेजेंट है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स किस चेंबर में ड्रेन करेंगी, लेफ्ट एट्रियम। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओवरऑल जो बाइकस्पिड वेल्व है ये किस के और किस चेंबर के दरमियान प्रेजेंट है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। और इसमें आप एक चीज़ ये भी ज़रा गौर करें कि जो बेसिस हैं पल्मोनरी ट्रंक की और एओर्टा की, इनकी बेसिस पे सेमी लूनर शेप्ड ये वेल्स मौजूद हैं, सेमी लूनर शेप्ड ये वेल्स, इस तरह के सेमी लूनर शेप्ड वेल्स मौजूद हैं। सो इन वेल्स की अरेंजमेंट इस तरह से है कि इनके एक साइड पे जब प्रेशर लगता है तो ये वेल्स ओपन होते हैं और ब्लड इनके पास गुजर जाता है और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली वापस क्लोज हो जाते हैं एंड ब्लड की वापस रीगर्जिटेशन नहीं हो पाती। सो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की बेसिस पे सेमिलूनर वेल्स प्रेजेंट हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ब्लड की वापस हार्ट में रीगर्जिटेशन को रोकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे ओवरऑल इसको हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी ट्रंक हार्ट के किस चैम्बर से अराइज होगा, बेस्ट रिस्पांस वुड बी राइट वेंट्रिकल, और एओर्टा हार्ट के किस चैम्बर से अराइज होगा, बेस्ट रिस्पांस वुड बी द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो है इसने अराइज होना है। ओके, सो अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जरा कि किस तरह से ये जो चैम्बर्स हैं एक्चुअली इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से होगा। सो सबसे पहले चलें हम स्टार्ट करते हैं विद द राइट एट्रियम। सबसे पहले हम राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं और हम ब्लड को ट्रेस करते हुए या ब्लड के फ्लो को ट्रेस करते हुए वापस दोबारा राइट एट्रियम तक ही आएंगे। सो यू सीन हियर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से
वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए आ जाता है इनटू द राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वेल्व से गुजर के अल्टीमेटली चला जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो वो चला जाता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक के लॉन्ग वो चला जाता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। सो राइट और लेफ्ट लंग में जाके वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आ जाता है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए अल्टीमेटली आ जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वेल्व से गुजर के वो जो ब्लड है वो आ जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टली के नतीजे में ब्लड चला जाता है इनटू द एओर्टा, और एओर्टा के अलोंग अल्टीमेटली फिर पूरी बॉडी की डिफरेंट आर्टरीज में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आर्टरी से होता हुआ कैपिलरीज में जाता है जहां से उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव करते हैं इनटू द बॉडी सेल्स, और अल्टीमेटली कार्बन इवन जो ऑक्सीजन है वो भी मूव करती है आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हुई है इनसाइड द बॉडी सेल्स वो डिफ्यूज करेगी इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, और कैपिलरीज के मिलने से क्या बनेंगे वेन्यूज और फिर स्मॉलर वेन्स एंड देन लार्जर वेन्स, अल्टीमेटली यू विल हैव द सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना केवा, और जिनके अलोंग अगेन जो ब्लड है वो आ जाएगा इनटू द राइट एट्रियम। सो इस तरह से हमने ब्लड की पूरी ट्रेसिंग को देख लिया कि ब्लड कहां से कैसे ट्रेवल करता है। लेकिन अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें वो ये है कि हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं या जब इनकी सिस्टली डायस्टली होती है दे आर एक्चुअली ऑल वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर सारे के सारे हार्ट के चैम्बर्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, राइट, तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट बीट है उसमें हार्ट के पास पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं होगा, राइट। इसका मतलब है कि देर शुड बी अ वेरी गुड हार्मनी बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब वो हार्मनी क्या है उसके हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि मेरा ये जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रिया को, और मेरा ये जो राइट हैंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल्स को। सो यू सीन हियर दी व्हेन दी एट्रिया दे आर रिलैक्सिंग एट दैट टाइम द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। एट्रिया जब रिलैक्स कर रहे होते हैं उस वक्त ये बेसिकली बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, और उस वक्त जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और अब ये कह लें कि दे आर सेंडिंग ब्लड वेंट्रिकल्स, दे आर सेंडिंग ब्लड इनटू द एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद जब फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट दैट टाइम द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, सो यू कैन से दैट दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। सो अल्टीमेटली सो दिस इज द पंपिंग ऑफ द हार्ट, सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। सो मैकेनिस्टिकली किस तरह से ये हार्मनी मेंटेन की जाती है इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं जब हम खास तौर पे हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो हार्ट के स्ट्रक्चर पे था, हमने स्ट्रक्चरली जो हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स उनको डिस्कस किया। कुछ और पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वो ये कि कई दफा ओवरऑल सेप्टा के बारे में डिस्कशन की जाती है कि किस और किस चैम्बर के दरमियान में कौन सा सेप्टम प्रेजेंट है। सो इसमें आप जरा गौर करें कि जो एट्रिया के दरमियान में सेप्टम होगा इसको हम बोलते हैं दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। इस तरह से जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम होगा इसको हम बोलते हैं दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इस तरह से जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और अल्टीमेटली ये जो वेल्व्स हैं ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं रेस्पेक्टिवली ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इन वेल्व्स के जरिए जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और राइट एट्रियम से अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड ने जाना है ऑफकोर्स ये ट्राइकस्पिड वेल्व से होके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है तो वो बाइकस्पिड वेल्व से होके ब्लड जाएगा। अब एक और तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। सो और इसी तरह से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा चैम्बर है हार्ट का जहां पे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा या जहां पे लोएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, राइट। सो यू सीन हियर इसके लिए कुछ जनरलाइजेशंस हैं उनको हम भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। यू सीन हियर कि जनरली स्पीकिंग जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एट्रिया। सो अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गर होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है तो अगेन ऑफकोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गर होगा। अगर दोनों एट्रिया को भी कंपेयर करें से अगर लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी अगर आप कंपेयर करें तो वेंट्रिकल इट हैज टू बी द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एनी एट्रियम, राइट, भले वो लेफ्ट हो या राइट हो। सो ये एक जनरलाइजेशन है कि वेंट्रिकल्स या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वेंट्रिकल्स दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द एट्रिया।
एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, दिस इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है दिस इज मेनली डीलिंग विद द पुलमोनरी सर्कुलेशन. इसने मेनली क्या करना है, इसने ब्लड को रिसीव करके अल्टीमेटली जस्ट लंग्स तक पंप करना है और वहां से फिर दोबारा उसने हार्ट तक आ जाना है. जबकि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है दिस इज मेनली डीलिंग विद द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होना है अल्टीमेटली उसने पूरी बॉडी में जाना और अल्टीमेटली फिर उसने वापस हार्ट तक आना है. सो इसीलिए जो लेफ्ट साइड है दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर साइड. सो इस तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है वो कौन सा है, बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा दिस वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट. और अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हाईएस्ट प्रेशर ब्लड का किस चैम्बर में बिल्ड होगा, अगेन वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है ऑफकोर्स वहीं पे बिल्ड होगा. सो अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी लेफ्ट वेंट्रिकल. और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो लोएस्ट प्रेशर है वो आप हार्ट के किस चैम्बर में एक्सपेक्ट करेंगे, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी, What do you think? It would be a ventricle or atrium. हम lowest pressure की बात कर रहे हैं ना, basically हम weakest chamber जानना चाह रहे हैं कौन सा. हमें पता है कि atria weakest है, इसका मतलब है left और right side में से, left और right atrium में से ही कोई chamber इसका answer होगा. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो left side है वो right side के नस्बत stronger है. इसका मतलब ये हुआ कि right atrium is the weakest chamber of heart and that's exactly where you would expect the lowest pressure of blood. All right. सो ये हाई यील्ड फैक्ट्स है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. सो इसमें ये एक और कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है, हम इसको डिस्कस करते हैं. यू सीन हेयर, यहाँ पे किस तरह से हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, दरमियान में हमारे पास ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व भी कह रहे हैं. फिर वी हैव गॉट द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके दरमियान में यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके दरमियान में हमारे पास ये वाला जो है वो बाइकस्पिड वेल्व है. ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ही है, ये बाइकस्पिड वेल्व है. सो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व को कलेक्टिवली हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स भी कह देते हैं. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और दोनों एट्रिया के दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम भी होगा. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि किस तरह से ओवरऑल जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम बेसिकली इसके अंदर जो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड आ रहा होता है, और इस तरह से जो लेफ्ट एट्रियम है दिस इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पुलमोनरी वेन्स, टू फ्रॉम द राइट साइड एंड टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स, राइट. सो और इसी तरह से आपको यहाँ पे ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी ट्रंक और फिर राइट और लेफ्ट पुलमोनरी आर्टरी भी राइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको ये एओर्टा भी नजर आ रहा है निकलता हुआ. और एओर्टा में और पुलमोनरी ट्रंक में, एओर्टा और पुलमोनरी ट्रंक की बेसिस पे आपको सेमी लूनर वेल्व भी नजर आ रहे होंगे. सो यू कैन सीन हेयर, ये एक सेमी लूनर वेल्व है, इस तरह से यहाँ पे भी एक सेमी लूनर वेल्व है, एओर्टा की बेस पे एक सेमी लूनर वेल्व होगा. सो ये जो सेमिलोनर वेल्व्स हैं बेसिकली ये एओर्टा और पुलमोनरी ट्रंक की बेसिस पे प्रेजेंट हैं, विच प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट स्पेशली ड्यूरिंग द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स. सो हार्ट बेसिकली ये एक डबल पंप के तौर पे काम करता है. सो डबल पंप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देता हूं. अब जस्ट इमेजिन करें कि से हमारे पास ये क्या है, ये है वी हैव गॉट द राइट वेंट्रिकल हेयर. सो ये हमारे पास है जी राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड जाएगा इनटू द लंग्स, और वहां से फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो वापस आएगा ऑक्सीजनेट होके इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. This is pulmonary circulation. और उसके बाद फिर जो left atrium में जो blood आया ultimately ये जाएगा into the left ventricle, और left ventricle से फिर ये जो blood है ये जाएगा into the aorta. Aorta के जरिए पूरी body में ये distribute होगा, body cells तक जाएगा, वहाँ से फिर दोबारा deoxygenate होके carbon dioxide को लेके ये ultimately आएगा into the right atrium again via the superior and the inferior vena cava. So ye right atrium mein aa gaya. So ye jo circulation hai between the left ventricle and the right atrium, ye kaun si circulation hai, this is called as the systemic circulation. So agar exam aapse question poochta hai कि जो पुलमोनरी सर्कुलेशन है ये हार्ट के किस और किस चेंबर के दरमियान में है, तो पुलमोनरी सर्कुलेशन ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम